टाइम से। तो दोस्तों अभी हम फाइनली नहा धो के तैयार होकर पूरा अपना जो ये हमारा जो मेन परिधान होता है ना कुमाऊनी पिछौड़ा पहन के तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर। काफ़ी चलना होता है यहाँ और देख आप घंटी सुन पा रहे होंगे और बच्चा तो हर्षु तो सोई थी तो उसको अभी लाई नहीं हूँ मैं क्योंकि ठंडा भी बहुत है और यहाँ पे ठंड होगी इसलिए मैं अभी उसे नहीं लाई। धूप नहीं निकली है जबकि 8 बजने वाला है और अभी भी धूप नहीं आई है यहाँ पे। तो हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, अब आपको मिलूंगी मैं सीधे मंदिर में और आज बहुत कार्यक्रम भी हैं तो आप बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी मैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये है रास्ता और आइए आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मेरे को पता है यहाँ के बारे में। ये क्या है ये आप मेरे हस्बैंड बताएंगे क्या है? देवाल, 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 देवाल शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। कुंगेश्वर महादेव का मंदिर है, कुंगेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेना जिले के एक छोटे नहीं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेना क्षेत्र में एक छोटे से गांव में बसा हुआ है और इसका नाम है कुंगेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों देखिए ना अभी है ना आजकल गाँव में देखो कितनी सुविधा हो गई है कि देखिए नस्लिन के लिए बनाया गया है, जैविक और अजैविक खाद के लिए ये बनाए गए हैं लेकिन यहाँ पे वो बिच्छू शून जम रहे होता शून तोड़ लेते थोड़े फूल चढ़ाने के लिए। दोस्तों हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, अब जैसा कि यहाँ पर धूप आ गई है और हम आए हैं ये जो आपको सामने जो जंगल दिख रहा है ना यहाँ से आए हैं हम लोग और ये है मंदिर परिसर तो आप देख सकते हैं। सब नहा के आए यहाँ पर नहाता है ठंडा पानी। चलो फिर ना चाची इसने नहाया दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और बहुत प्यारी सी धूप आ गई है और ये है देवाल और देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का आप देख सकते हैं। दिखाऊंगी मैं आपको अभी और पूरा बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है ये मंदिर और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे ना फूल भी लगे हुए हैं और यहाँ पे तो दिखाती हूँ मैं आपको। आइए मेरे साथ यहाँ पे ये यहाँ से फिर ये भी एक एंट्री गेट है और यहाँ पर से फिर एक खेत और नीचे गांव है तो ये गांव के बीचों बीच में है ये मंदिर और यहाँ से ये खेत है और नीचे भी गांव है तो और एक मंदिर ये ऊपर ये ऊपर किस चीज़ का मंदिर है? ये गणेश जी का मंदिर है शायद, है ना? और मजाक कर रहे दोस्तों ये है मंदिर का अंदर वाला हिस्सा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें पत्थरों से बनी हुई है और ये है मुख्य मंदिर और ये देखिए काफी प्राचीन मंदिर है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं देखिए वो पूरे पत्थरों की है। नंदी जी
मूर्ति भी पत्थर से ही बनी है। पीओपी पहले भी होती थी, पहले जमाने में भी कलाकारी भी होती थी। स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुसेतूनां स्वस्ति वायम् उप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य असवदे बृहस्पतिं सर्वगणकं स्वस्ति स्वस्तय आदित्यासौ भवन्तु नः हरिः ॐ भद्रं कणेभिः शृणुयां देव भद्रं वक्षे मांशभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गुरुते हरि ओम हरि ओम जय गंगे जमुने सेवा गुदा वरिष सस्ती नमते इसे नुकावेरी जले स्मिन सन्नी दिंग रहो तेंज जले नाम यवा जला गंधक से अपसारे सिप्या तेंज जले नाम आत्मा राम से पूजा सब सूर्य हरिदान सामग्री संपूर्ण जिस सपने में छिट ओम अपवित्र हो पवित्र वा सर्वा सांबदो पिवा यह समृद्ध पुण्य का सिंह सवाया व्यंतर हसुजे हे संकल्प तब फूल आते मेरे मन जनसुन तेल अब गंधक से पिछड़ लगे पानी डालना हरि ओम विष्णु 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 जल हरि ओम हरि ओम हरि ओम पृथ्वी मंत्र मेरु शिशि शूद्र छंदा कुरमो देवता आशा भविष्य विनियोग जमीन में फिर डालना है ना उसमें फिर जो डाल दे गंध अक्षर पीठ तेन जले नाम पुनश यव जल गंध अक्षर पुष्पादि जले नाम श्री गणपत पूजन सामग्री श्री शाम दासेव सपरिवार सगुण वश्य शुरू करें हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे श्री ब्रह्म प्रभु सुरमाय जंबुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त के देशे ब्राह्मण उद्दीप राधे श्री श्वेत वारा कल्पे वसन नामनंद्रिया चाविशिदि में कलि 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 शिव तंत्र नहीं बोधा तारे सुशीदा नमः देय वसे पिंगल नाम समस्त रे रवि दक्षिण आयणे शरद ऋतु तुला के कार्य कृष्ण वक्षे गुरु आसाय तायम एकादश्याम सुफल पुनीति तौ भारद्वाज गोत्र मस्यहम रेखा ब्रखा मिथुन कर्क श्या कन्या तुलाभिषेक धन मकर कुंभ मीन में साधि पर्यंतम आधि व्याधि जरा पीड़ा प्रार्थम रोग भय सर्प भय चोर भय महिष भय रीछ भय अग्नि भय जल भय वायु भय बांध उल्टादि भय सर्व व्याधि विनाशनार्थम अटल स्वायादि संतति सुख संतोष प्राप्यतम चतुर्विपुषार्थ प्रातथम त्रिविधा समर्थम आयुर्विद्या शुभलम प्राप्यतम उच्च शिक्षा उच्च राज लाभ प्राप्यतम केचिद वृद्ध सदा साधि चतुर्थ अष्टम द्वादशांशेषु क्रूर ग्रह शनि राहु केतु जनित दुख दुर्भाग्यादि नाश पूर्वक सुख ऐश्वर्य आदि प्राप्यतम सर्वे ग्रह अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम मनोविलसित कार्य संसिद्ध्यर्थम विशेषतया देवाधिदेव महामृत्युंजय श्री पुंगीश्वर महादेवस्य यथा योगी अभीष्ट कृपा प्रसाद प्राप्यतम
हे तत्समये एकादशी व्रतागत्वेन श्री देवादिदेव महामृत्युंजय देव श्री पुंगीश्वर महादेव श्रीलिंगोश्वरी यथा ज्ञाने यथा मृतोपचार यथा उपलब्धसामये श्री श्याम सदाशिवस्य यथा शक्ति पूजनं तथा च यथा शक्ति रुद्राभिषेकं च करिष्ये। अर्घ्यम् अर्घ्यम् डालो एक फूल पकड़ करके ध्यान। तो दोस्तों हमारी मंदिर में पूजा पाठ अच्छे से हो गई है, रुद्राभिषेक हुआ था आज मंदिर में और सारा मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिख जाएगा। और अभी आए हैं हम घर पे, अब खाना वाना बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये तो सब कुछ मैंने देखा हुआ है, हमने किया हुआ है, तो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो अच्छा भी लगता है और मतलब थोड़ा मिस भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखिए, और अभी अभी दोपहर का समय है तो बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। और थोड़ा मैं आपको नीचे का लोकेशन दिखाती हूँ, और ये है हमारे गांव का व्यू, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, एक यहाँ पे ये गांव के नीचे भी जंगल है और गांव से ऊपर भी सब जंगल जंगल ही है। तो ये है दोस्तों, ये हैं दोस्तों ये दोनों, पता नहीं सुबह से क्या करने, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक घंटे से बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं ये हर्षु और सोना। क्या बातें कर रहे हो? अच्छा चलो बताओ, हर्षु आप बताओ, आप पहली बार आ रहे हो ना, तो कैसा लग रहा है आपको पहाड़ में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही? कुछ तो ऐसा भी होगा ना जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बताओ है, कुछ तो ऐसा होगा। सब अच्छा है। हाँ। अच्छा एक लास्ट चीज ये बताओ, मतलब यहाँ अच्छा है या वहाँ अच्छा है? दोनों जगह अच्छा है। दोनों जगह अच्छा है। हाँ। काफी समझदार है हर्षु दोस्तों। अच्छा सोना तू बता, क्या कैसा लग रहा है यहाँ? ये तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहीं रहेगी? हाँ। है यहीं पड़ेगी? अच्छा ठीक है दोस्तों, आजकल के बच्चों को जो मतलब जो ना सारी सुख सुविधाएं को देखते हैं और इस हिसाब से बच्चों को यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी उन्हें पता नहीं है कि पहाड़ों में जीवन यापन कैसे करते हैं लोग, लेकिन ऊपर ऊपर से देख रही हूँ तो काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन और नया और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों अपना साथ बनाए रखिएगा, और एक छोटे से गाने के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं। मेरो पहाड़ा रंगीलो पहाड़ा यो छा जन्म भूमि, मेरो पहाड़ा मेरी जन्म भूमि, मेरो पहाड़ा। नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।